डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस माइक्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो टॉपिक है ये बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, बीएससी फाइनल ईयर की सेकंड यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिया हुआ है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला जो चैप्टर था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर की तरफ चले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा यानी कि विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम, उस विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम में जो रीजन आता है 3 × 10^12 हर्ट्ज। बात क्या हो रही है 3 × 10^12 हर्ट्ज से 3 × 10^10 हर्ट्ज के बीच का जो रीजन होता है, मतलब कि 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच का जो रीजन होता है, जो रेंज होती है, वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की रीजन होती है। यह रीजन किसके बीच में होती है? तो यह रीजन रेडियो फ्रीक्वेंसी और फार आईआर रीजन के बीच का रीजन। तो ये रीजन किसके बीच का है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन और फार आईआर रीजन के बीच का एक क्षेत्र होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी सूक्ष्म चुंबकीय तरंगों का एक भाग होता है, जिसे हम सूक्ष्म तरंग क्षेत्र यानी माइक्रोवेव रीजन के नाम से जानते हैं। अब माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है एब्सॉर्प्शन। और जब माइक्रोवेव रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तो उसमें क्या चेंज आता है? तो वहां पर बात होगी रोटेशनल की। किसकी बात होगी? रोटेशनल। तो वहां पर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है रोटेशनल यानी कि घूर्णन का चेंज। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो रोटेशन होता है, जो घूर्णन होता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है माइक्रोवेव रीजन के कारण। और इस माइक्रोवेव रीजन में जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो मिलता है उसी को हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है यानी संबंधित है। इसलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अक्सर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 3 × 10^12 से 3 × 10^10 हर्ट्ज के बीच का जो रीजन होता है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या फॉर आईआर के बीच का जो रीजन होता है उसको हम माइक्रोवेव रीजन कहते हैं। हिंदी में कहें तो उसको हम सूक्ष्म तरंगों का क्षेत्र कहते हैं। और यह इस रीजन के कारण मॉलिक्यूल में रोटेशन से घूर्णन डेवलप होते हैं और इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो हम अब चल रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रम हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमारे पास में यदि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल दो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे हमने कहा कि सपोज हमारे पास में H2 है तो वो दो H एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस एक दूसरे से बंद लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ की दूरी पर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं।
यानी इन दोनों एज के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है उसको हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कह दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नाभिक मॉलिक्यूल जो होता है, अणु होता है, उसमें नाभिक भी गति करते रहते हैं। उसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पर घूमता रहता है, जिसके कारण हमें डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल मिलते रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जैसे हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, ये इसका सर्कुलर पाथ है, अगले हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, इसका सर्कुलर पाथ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही, उसके साथ साथ में ये न्यूक्लियस भी क्या होता रहता, अपनी एक्सिस पर घूमता रहता। तो जब ये न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर घूमेगा तो जिसके कारण हमें डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तरों का निर्माण हो जाता है, और उस संपूर्ण मॉलिक्यूल भी रोटेशनल एक्सिस पर रोटेशन करता है। ये जो मॉलिक्यूल है H2O, ये अपनी एक्सिस पे क्या होता है, चारों ओर लगातार रोटेशन करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। जबकि इन एटम में कभी भी परमाणु में ऐसा मोशन देखने को नहीं मिलता। मॉलिक्यूल में तो क्या होता है, फ्री रोटेशन पाया जाता है, जबकि एटम में फ्री रोटेशन नहीं होता है। तो इन हम ये कह सकते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उनके बीच में यदि हम माइक्रोवेव रीजन की बात करें तो उसमें ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा उसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जिन मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है वे रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते। जैसे H2 की बात करें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देता, जबकि HCl मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे देता, यानी कि जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होगा वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, और जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट नहीं होगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, उसके अंदर परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिजिड रोटेटर, जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिजिड रोटेटर। किसकी बात हो रही है यहां पर, रिजिड रोटेटर की बात हम लोग अब करेंगे। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात हो रही है अब रिजिड रोटेटर की। अब हम कह रहे हैं कि रिजिड रोटेटर की बात करते हैं तो हमारे पास में सपोज एक मॉलिक्यूल है, हमने कहा एक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलकर बना है। इन एटम की यदि बात करें तो पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r, ये r जो उसको हम r1 प्लस r2 के इक्वल मान सकते हैं। हमने कहा कि ये किसी एक बार से जुड़े हुए थे जिसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि c है, और इस बार से इसकी जो डिस्टेंस होगी पहले की r1 होगी और दूसरे की r2 हो जाएगी। हमने कहा किसी मॉलिक्यूल द्वारा रोटेशन करने पर यदि उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो ऐसे मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर कहा जाता है। तो हम क्या करें कि हमारे पास में कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रिजिड रोटेटर। अब हम कह रहे कि हमारे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है उसको है, जो मास है हमने m1 और m2 इसके दो मास मान लिए और दो एटम से मिलकर बना है, जो मॉलिक्यूल के दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक मीन डिस्टेंस है, फिक्स दूरी है, जो डिस्टेंस वो फिक्स है, अर्थात उसको हम बॉन्ड लेंथ r कहते हैं। ये जो बॉन्ड लेंथ r है ये नॉन चेंजेबल है यानी कि अपरिवर्तनशील है और रिजिड होती है यानी कि दृढ़ कठोर है। ऐसे माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल को हम रिजिड रोटेटर और m1 और m2 को जो बीच की जो डिस्टेंस है
ये जो आपको दिखाई दे रही है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं और किसी बार द्वारा किसी छड़ द्वारा इसको मेजर कर सकते हैं। हम ये कहें कि हमारे पास में जो रिजिड रोटेटर है उसमें आपको एक पॉइंट सी दिखाई दे रहा है जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी उसका गुरुत्व केंद्र है, जिसमें से होकर निकलने वाली एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस कहते हैं और इसी के कारण यह रोटेशन करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र है ये ऑलवेज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है और नॉन चेंजेबल इसकी पोजीशन होती है। अब रिजिड शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों एटम यानी M1 व M2 के बीच की डिस्टेंस नॉन चेंजेबल यानी कि अपरिवर्तनशील है और फिक्स्ड होती है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है हमने कहा वो R होगी। R दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हम यदि कहें कि हमारे पास में M1 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ये कहें C1 से दूरी R1 है, M1 की डिस्टेंस R1 है और M2 की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, R2 हो गई, तो दोनों ओर के मोमेंट यानी उसके आघूर्ण के बराबर होती है। हम इसको M1 R1 इक्वल टू M2 R2 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाए, ठीक है आगे चले। हम कहेंगे हमारे पास में जो पहला मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है वो M1 है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उससे R1 दूरी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि M1 R1 स्क्वायर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते। अब हम कह रहे हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो दो पार्टिकल है दो कण है इसलिए इनके संपूर्ण मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में कहे तो जड़त्व जो आघूर्ण होगा वो हम उसको I इक्वल टू लिखेंगे। I हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेकिन जड़त्व आघूर्ण है, तो M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर हो जाता है, हमें यहां पर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 कैसा है, तो हमने कहा किसी M1 भार वाले कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण केंद्र से दूरी R1 है तथा इसको हम M1 R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, M2 से C की जो दूरी है उसको R2 कहेंगे और उसको हम M2 R2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण I के बराबर होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर दोनों समीकरण की, तो समीकरण 1 और इससे 2 से हमने दो इक्वेशन की बात कर ली, समीकरण 1 और 2। अब जब हम समीकरण 1 और 2 से बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू M1 R1 R1 इस R1 स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया प्लस हम क्या लिख सकते हैं M2 R2 R2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू M1 R1 R1 M2 R2 R2 क्लियर है, तो यहां पर M1 R1 हो गया, यहां पर M2 क्या हो गया, R2 हो गया, क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि M1 R1 किसके इक्वल है, M2 R2 के इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम जब I इक्वल टू लिखते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं M2 R2 यहां पे क्या है R1, यानी हमने उसकी क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हमने क्या कहा M1 R1 किसके इक्वल है, M2 R2 के, तो लिखा M2 R2 R1 ठीक है प्लस क्या हो जाएगा M1 R1 R2 हो जाएगा, यानी हमने M1 R1 की जगह M1 R1 की जगह क्या लिख दिया M2 R2 लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू, आप मेरे साथ में इसको नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको इजीली इसको समझ में आ जाए। हमने किसको R2 R1 को ले लिया, हमारे पास में दोनों तरफ देखे तो M2 R2 M1 R1 है, हमारे पास दो टर्म है, तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास क्या बचा M1 प्लस हमने R2 R1 को कॉमन ले लिया, बचा क्या है M2 प्लस M1 यहां पर बचा है। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं। अब आगे चलते हम लोग एक बात जानते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R माइनस R1 भी लिख सकते हैं,
क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 4 भी मिल गई और इक्वेशन नंबर 5 भी मिल जाती है। अब हम यहां पर बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और किसकी बात की जा रही है, 5 की। तो हमारे पास में समीकरण 1 और 5 की बात हो रही है अभी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फिफ्थ की तरफ चल रहे हैं। आपको इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रही है m1 r1 इक्वल टू m2 r2 और इक्वेशन फिफ्थ दिखाई दे रही है r2 इक्वल टू r माइनस r1 दिखाई दे रही। अब हमें करना कुछ नहीं, हम चले m1 r1 इक्वल टू क्या है यहाँ पर m2 r2। तो इस m2 r2 पे क्या करेंगे, r2 की वैल्यू रखते हैं तो हम क्या लिखेंगे m2 r - r1 रख दिए, r2 की वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमें कौन सी मिल गई, इक्वेशन नंबर 6 मिल जाती है। अब इसको सॉल्व कर लो तो m1 r1 इक्वल टू m2 r - m2 r1 इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जब इसको लिखेंगे तो m1 r1 + क्या लिख सकता हूं m2 r1 = m2 r हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, r1 निकालना है, तो लिखते r1 इक्वल टू क्या जाएगा m2 r बाय क्या हो जाएगा m2 r1 को कॉमन लेंगे ना तो क्या बच जाएगा m1 + m2। क्यों, क्योंकि यहां पर भी r1 है, यहां पर भी r1 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया m1 + m2 बच जाएगा। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाती है 7 मिल जाती है। तो जिस प्रकार से r1 बना है उसी तरीके से r2 भी तो बन सकता है, क्लियर है। तो हम चल रहे किसकी तरफ, r2 की तरफ चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं r2 की, तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, इसी तरीके से लिखे तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 r / m1 + m2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में कौन सी अगली इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो हमने समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 को यहां पर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, अब समीकरण 7 और 8 की बात करें तो हम कह रहे हैं कि समीकरण 7 और 8 में हम आगे से करो ऐड करें r1 और r2 की बात करें। समीकरण 7 और 8 में समीकरण 7 और 8 जो आपको दिखाई दे रही है 7 और 8, उसमें r1 तथा r2 का मान समीकरण 3 रखना, ठीक है। r1 एवं r2 का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं, 3 में रखने। अब आपको इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रही है, इक्वेशन ये दोनों दिखाई दे रही है 7 और 8, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं। जब रखेंगे तो ये इक्वेशन किसके इक्वल है, आर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। बात क्या है, r2 और r1 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख रहे हैं m2 r / m1 + m2 किसकी वैल्यू रख दी मैंने पहले r2 की रखी, फिर r1 की तरफ जा m2 m1 r / m1 + m2 इसकी वैल्यू भी रख दी r2 की। बचा क्या है m2 + m1 बचा हुआ, इस तरीके से मिल गए। तो ये हमने क्या किया, समीकरण 7 8 और समीकरण 3 को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, उसका कॉम्बिनेशन कर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 m2 / m1 + m2 हो जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई किया, और यहां पर क्या बचेगा r² हो जाएगा। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर कौन सी मिल जाती है, 9 मिल जाती है। लेकिन हम एक बात चाहते हैं क्या है, उसी तरफ चलते हैं, हम कर रहे हैं कि लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या है, रिड्यूस मास, हिंदी बोले तो समानित द्रव्यमान की बात करें, रिड्यूस मास यानी समानित द्रव्यमान, वो क्या होता है μ = m1 m2 / m1 + m2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी तरफ चल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर I = μr² रख सकते हैं,
तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 10 मिल जाती है। क्लियर है, क्या मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 10 यहां पर इस तरीके से मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने म्यू को रिड्यूस मास मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं रोटेटर की काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात हो रही है? रोटेटर की काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। जब रोटेटर की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 11 मिला, क्योंकि हमने बात करी है कितनी हमारे पास में दो एटम है v1 और v2। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां v1 और v2 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मास m1 और m2 के क्या है, लीनियर, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी है। हिंदी बोले तो रेखीय वेग है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका लीनियर वेलोसिटी है, जिसको हम रेखीय वेग मान सकते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि v1 और v2 क्या है, लीनियर वेलोसिटी मतलब कि रेखीय वेग है, तो ऐसी कंडीशन में रोटेशन करने वाले रिजिड रोटेटर का एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में कहें तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और मॉलिक्यूल के रोटेशन में R1 तथा R2 का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर हो जाए, इसलिए रोटेशन जो हो रहा है उसमें मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने जो V1 और V2 है उसकी जगह हम बात करेंगे किसकी, ओमेगा की बात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 11 को मैं लिख रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से, तो 1/2 क्या हो गया m1। अब v1 है उसको हमने क्या कहा, यहां पर तो लीनियर वेलोसिटी पर हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लिख देंगे w² r1 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरीके से सेकंड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सॉरी एक मॉलिक्यूल का सेकंड एटम की बात हो रही है, तो 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर और r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको कुछ नहीं करना, मैं सिंप्लीफाई करना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो E = 1/2 हमने इसको कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। अब बचा क्या है, m1 r1 का स्क्वायर और m2 r2 का स्क्वायर बचा है, तो हम यहां लिख देंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर बचा हुआ। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा I होता है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, E = I ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको E = ω² I भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर कौन सी मिल जाती है, यहां पर इक्वेशन नंबर 12 हमें मिल जाती है। यहां पर जो I आपको दिखाई दे रहा है यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार रोटेशन करने वाले मॉलिक्यूल का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है उसकी तरफ से। अब मैं बात कर रहा हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ, हिंदी बोले तो चीर सम्मत यांत्रिकी की बात की जा रही है। बात हो रही है किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की, चीर सम्मत है, उसके अनुसार एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो L = I ओमेगा होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं, 13। किसके आधार पर, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर, चीर संबंध यांत्रिकी के आधार पर जो एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग होता है वो A = I ओमेगा। अब एंगुलर मोमेंटम को यदि हम क्या करते हैं, क्वांटाइज कर दें, अब बात होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम। हमने क्या किया, इस जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हमने क्वांटाइज कर दिया I पर,
जब इसको क्वांटाइज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू, जब क्वांटाइज कर रहे तो जे जे प्लस वन किस कब करने पर, हम कह रहे इसके बाद में बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, क्वांटाइज कर रहे हैं, हिंदी बोले तो क्वांटीकृत कर रहे हैं। जब क्वांटाइज करें तो एल इक्वल टू जे रूट जे के प्लस वन एच बाय टू पाई हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी मिल गई, 14 मिल गई। अब इस इक्वेशन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, तो समीकरण शब्दा को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, अब जब हम इसको लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, जब हम रूट हटाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे जे प्लस वन इधर हो जाएगा एच स्क्वायर और इधर फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 15 मिल जाएगी। लेकिन हम एक बात क्या जानते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन समीकरण 13 से, समीकरण 13 उधर दे रखी क्या है, एल इक्वल टू या एल स्क्वायर तो कह सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। किसके बेसिस पर, समीकरण नंबर 13 के बेसिस पर, क्योंकि यहां पर एल स्क्वायर दिया है तो इस समीकरण 13 में एल दिया है तो हमने इसको क्या कर दिया, एल स्क्वायर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर यहां पर कौन सी मिल जाएगी, 15 के बाद में 16 मिल जाती है। अब आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं 15 और 16 से। समीकरण 15 और 16 से अब इक्वेशन 15 और 16 की बात की जाए, हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या दिया, जे जे प्लस वन एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाती है। इक्वेशन कैसे मिली, इक्वेशन 15 और 16 से मिली। हमारे पास जो इक्वेशन आई इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 17। अब हम चलते हैं, लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं, क्या है, एनर्जी के बारे में, क्या है, एनर्जी इक्वल टू होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से था, हमने पढ़ा था समीकरण 12 से पढ़ा था ये। ठीक है, इक्वेशन 12 में ऐसा दिया हुआ था। अब हम इसको सिस्टमेटिक लिखे तो क्या लिखे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, 2p बाय क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या नाम दे दिया, 18 दे दिया। अब हम समीकरण 18 से ओमेगा स्क्वायर का मान समीकरण 17 में रखते हैं, हम लिख रहे समीकरण 18 से ओमेगा स्क्वायर का मान कहा रख रहे, समीकरण 17 में। अब जब समीकरण 17 में रख रहे तो इक्वेशन नंबर 17 आपको लिखे थी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखे थे, तो हम क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर ना, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 2ej लिख रहे हैं। यहां ई एनर्जी थी उसको हमने कुछ नहीं, उसमें जे एड कर दिया। यहां पर क्या दिया हुआ, आई इक्वल टू क्या है, जे जे प्लस वन एच स्क्वायर बाय यहां पर हो जाएगा 4π². इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 19 मिल जाती है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर देते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करने जा रहे हैं हमारे पास किसकी बात हो रही है, ईजे की बात हो रही है, यानी कि एनर्जी की बात हो रही है। जब एनर्जी की बात हो रही है तो जे क्या है, क्वांटाइज की बात हो रही है, तो जे ej इक्वल टू एच स्क्वायर यहां पर क्या दिया हुआ, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8,
क्या दिया हुआ है, पाई स्क्वायर भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ पाई स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, तो आप उधर देखेंगे तो आई दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आवेग, ठीक है, क्या बचा हुआ है, जे, जे प्लस वन बचा हुआ, किसकी बात हो रही, एनर्जी की बात हो रही, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, ये क्या निकल गई, एनर्जी, ठीक। अब यहां पर क्या है, उसकी तरफ चलते हैं, जे इक्वल टू क्या हो गया, देखो जीरो वन टू थ्री एटसेट्रा हो सकता है, जीरो का मान एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। अब जे के तो वैल्यू लिख दी, एज क्या है हम लोग जानते हैं, क्या होता है प्लांक कांस्टेंट हो गया, आई क्या है वो भी जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी बोले तो जड़त्व आवेग, जे क्या है रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी घूर्णन क्वांटम संख्या। तो ये जो इक्वेशन नंबर 20 हमें मिली है इस समीकरण 20 की सहायता से मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं और इसको रोटेशनल एनर्जी इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं, क्लियर है। तो ये तो हमने यहां पर रोटेशन एनर्जी यहां पर कैलकुलेट की जा सकती है। अब इस रोटेशन एनर्जी के बेसिस पर हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तरफ, हमें जो इक्वेशन नंबर 20 मिली है ये समीकरण किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रोटेशनल एनर्जी को बता सकती है, किसकी बात हो रही है हमारी, रोटेशनल एनर्जी। तो हम कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 20 जो हमें मिली है ये इक्वेशन नंबर 20 क्या कर सकती है, किसी भी मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी के लिए इक्वेशन है यानी घूर्णन ऊर्जा के लिए समीकरण है। इस समीकरण 20 को, इस समीकरण 20 को हम निम्न प्रकार से लिखने जा रहे हैं, देखो किस तरीके से लिख सकते हैं देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 20 को, हम कह रहे हैं कि समीकरण 20 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब कैसे लिख रहे हैं उसकी तरफ चल रहे हैं, तो हम यहां पर लिख रहे हैं EJ यानी रोटेशनल क्वांटम नंबर की एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर दिया इस टर्म की जगह आ जाएगा बी जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और इसको हम नाम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 21। तो हमने इसको 21 दे दिया, बी को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम इसको रोटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, बी को क्या कहेंगे रोटेशनल कांस्टेंट कह सकते हैं, और b की वैल्यू क्या है, तो b इक्वल टू क्या दिया हुआ है एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 20 जो आपको दिखाई दे रही है और इसको मॉडिफिकेशन करके हमने इक्वेशन नंबर 21 बनाई, तो समीकरण 20 में रोटेशनल एनर्जी या एनर्जी लेवल को किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे जूल में, इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल एनर्जी को वेव नंबर या सेंटीमीटर में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें व्यक्त कर रहे हैं, वेव नंबर या सेंटीमीटर इनवर्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं हम लोग, अभी किसकी बात हो रही है, रोटेशनल एनर्जी को हम कह रहे हैं, किसकी बात हो रही है, रोटेशनल एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स, और किसकी बात हुई, वेव नंबर में व्यक्त किया जा सकता है यानी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे EJ इक्वल टू एच न्यू, EJ यानी यहां पर बात होगी रोटेशनल एनर्जी,
इक्वल टू, हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। इसको हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, हम लोग जानते हैं न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, एच सी न्यू बार के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब हम इसको लिखे सिस्टमेटिक, तो ई जे इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ई जे इक्वल टू यहां पर हम लिख देंगे एस सी। सीधी बात क्या हो गई, ई जे किसके इक्वल हो गया, एस सी न्यू बार के इक्वल हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू बार के इक्वल हो जाता है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखो हम लोग जानते हैं कि एस को क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो जब इसको लिखना चाहे तो ई जे प्रोपोर्शनल टू न्यू बार लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिली है उसको इक्वेशन नंबर हम 22 कह सकते हैं। 21 के बाद कौन सी इक्वेशन आ गई, 22। अब यदि हम इक्वेशन 20 को एसी के पद से भाग देते हैं, क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, हम क्या करें, हम ये करें कि यदि समीकरण 20 को, जो हमारी इक्वेशन इससे पहले वाली आई थी उसकी बात कर रहे हैं, समीकरण 20 को एच सी के टर्म यानी कि पद की बात कर रहा हूं, पद से क्या किया जाए, भाग दिया जाए यानी कि डिवाइड किया जाए। अब जब इसको डिवाइड किया जाए, उसका भाग दिया जाए, तो रोटेशनल एनर्जी का मान यानी कि घूर्णन ऊर्जा का मान सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा। अब सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे होगा, उधर चलते हैं हम लोग। अब तो हम इक्वेशन नंबर 20 की मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिख रहे हैं, EJ by HC equal to, बात किसकी, EJ by HC equal to, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, तो H square by 8 pi square I C भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हैं। किसकी बात हो रही है, H यानी प्लैंक कांस्टेंट की बात हो रही है। पीछे क्या दिया हुआ था, इक्वेशन नंबर हम लोग चल रहे हैं 20 की बात कर रहा हूं, जे जे प्लस वन इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो जूल से चेंज होकर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ई एप्सिलॉन जी इक्वल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई सी एच जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन कौन सी आ जाती है, इक्वेशन नंबर 23 आ जाती है। अब यहां पर एनर्जी को ई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, ई जे को हम लोग एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ठीक है। ई जे को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एप्सिलॉन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें कि हम लोग जानते हैं कि जो हमने ईजे जो कहा है उसको हमने एप्सिलॉन के दिया, तो यहां पर ईजे बाय एससी को रोटेशनल टर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं, कौन से टर्म में, रोटेशनल टर्म में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ईजे क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ईजी बाय एससी इक्वल टू क्या हो गया, ईजे यानी एप्सिलॉन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल टर्म के नाम से जानते हैं, कौन सी टर्म हो गई है, रोटेशनल टर्म, यहां पर इस तरीके से हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 23 आपको मिली है, उस इक्वेशन नंबर 23 में क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं समीकरण 23 में, इक्वेशन 23 में जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्या हो सकता है इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा हो सकती है। सी आपको दिखाई दे रही है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, क्या होता है, सी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी।
उसकी वैल्यू क्या है, तो 3 × 10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो m1 m2 / m1 + m2 r² के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। j क्या है, तो रोटेशनल क्वांटम। अब इस इक्वेशन से इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 23 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 23 को हम कैसे लिख रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं, तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 23 को, ये इक्वेशन नंबर 23 इसको कैसे लिखा जाता है, चल रहा है, हम कह रहे हैं इसको लिखेंगे ई एप्सिलॉन जी इक्वल टू कैपिटल बी, इसकी जगह जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक। इसी तरीके से इसको न्यू बार जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको न्यू बार जे के फॉर्म में लिखते हैं तो बाकी की जो इक्वेशन है वो एसच रहेगी, क्लियर है, तो हमें इक्वेशन नंबर इस तरीके से यहां पर 23 के बाद में इक्वेशन नंबर 24 मिल जाए। यहां पर जो बी दिया हुआ है वो क्या है, एच से एच आप कैंसिल कर दो तो जो टर्म बचे हुए हैं, तो बी क्या है, एच बाय 8π² आईसी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, इक्वेशन 21 और 24 में कोई अंतर नहीं है, यानी इक्वेशन नंबर 20 और 24 में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम रोटेशनल एनर्जी लेवल की तरफ चल रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रोटेशनल एनर्जी लेवल की, रिजिड रोटेटर में रोटेशनल एनर्जी लेवल, यह आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बात करें। अब बात कर रहे हैं रिजिड रोटेटर में रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल को हम कैसे कैलकुलेट करें, पहली कंडीशन की बात कर रहा है हम लोग, जी इक्वल टू जीरो, जब रोटेशनल क्वांटम नंबर जे इक्वल टू जीरो, तो ऐसी कंडीशन में ई जे इक्वल टू क्या लिख सकते हम लोग, जीरो लिख सकते हैं, ई एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो हम इसको कैसे लिखें, बी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो जे की जगह क्या वैल्यू रख रहा, जीरो रख रहा, तो हम कह रहे बी इंटू जीरो जीरो प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ई जे इक्वल टू जीरो होने पर सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, बी मिल, सॉरी हमें यहां पर क्या मिल जाता है, जीरो सेंटीमीटर इनवर्स। चल दूसरी कंडीशन की बात, जब j इक्वल टू क्या हो, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, ej इक्वल टू 1 इक्वल टू b इंटू 1 1 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हम क्या लिख सकते हैं, ej इक्वल टू 1 2b सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, जब EJ इक्वल टू 1 होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड कंडीशन की बात करें, J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू 2 2 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है, तो क्या हो गया, इधर देखें
टू और वन थ्री, थ्री टू जा सिक्स हो गया, तो EJ इक्वल टू 6B सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, अब तीसरे के बाद चौथी कंडीशन की तरफ चलते हैं। जब रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या हो जाए, तो हम यहां लिख रहे हैं J इक्वल टू 3 हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू 3। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 3 जा 12, तो हम क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। फिफ्थ कंडीशन की बात करें, जब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाए, 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू क्या है, 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, B इंटू 4, 4 प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, 4 जा कितना हो जाएगा, 20 B सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से आगे चले, J इक्वल टू क्या हो गया, 5, क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 5 इक्वल टू B इंटू J की जगह क्या रखेंगे, 5, फिर J की जगह क्या रखा, 5, 5 और 1 6, क्या हो गया, 16, सॉरी 5 और 1 6 30, तो EJ इक्वल टू 5 होने पर 30 B सेंटीमीटर। अब यहां से एक एनालिसिस निकला कि जब J इक्वल टू 0 होता है तो 0 भी, 1 होने पर 2 भी, ठीक है, 2 होने पर 6 भी, 3 होने पर 12 भी, 5 होने पर 20 भी और 5 होने पर 30 भी। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट रोटेटर में रोटेशनल एनर्जी लेवल या रोटेशनल लेवल इक्वल स्पेस के नहीं होते, तो रिजल्ट रोटेटर में एनर्जी लेवल क्या होंगे, इक्वल स्पेस के नहीं होते हैं। क्लियर है, तो ये तो बात क्या हो गई, हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात हुई। अब हम बात करेंगे यहां पर ट्रांजिशन की, कि एनर्जी का ट्रांजिशन किस तरीके से होता है। अब ट्रांजिशन के बाद में ये जो एनर्जी लेवल आया, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन की। एनर्जी चेंज जुड़ी, हम बात कर रहे हैं एनर्जी चेंज जुड़ी ट्रांजिशन की। अब एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, अभी हमने बात करी थी ट्रांजिशन लेवल की। अब हम कह रहे हैं कि J इक्वल टू 0 से जब J इक्वल टू 1 होता है, तो हमने लिखा J इक्वल टू की बात हो रही, तो डेल A इक्वल टू EJ इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, EJ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि EJ इक्वल टू, जब J इक्वल टू 1 था तो हमारे पास में वैल्यू आई थी 2B और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो d epsilon इक्वल टू क्या हो गया, 2b आ गया। तो पहला ट्रांजिशन तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन हो रही है जब ट्रांजिशन j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 2 की तरफ जाता है। जब ट्रांजिशन J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 2 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डेल E इक्वल टू क्या हो सकता है, तो EJ इक्वल टू 2 से EJ इक्वल टू 1 की तरफ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब J इक्वल टू 2 लिखा था कुछ देर पहले, तो इसकी वैल्यू क्या थी, यहां पर वैल्यू आई थी 6B, इसकी वैल्यू क्या थी, 2B आई थी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो D epsilon इक्वल टू कितना हो गया, 4B हमें मिल जाता। तो पहले का जो एनर्जी डिफरेंस आया था वो कितना था, ट्रांजिशन का 2b, सेकंड वाले का आ गया 4b। अब थर्ड केस की तरफ हम लोग चलते हैं और उसको देखते हैं। थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, जब ट्रांजिशन j इक्वल टू 2 से हम j इक्वल टू 3 की तरफ जाएंगे। जब ट्रांजिशन हम j इक्वल टू 2 से j इक्वल टू 3 की तरफ गए तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे डेल एप्सिलॉन इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, EJ इक्वल टू 3 से माइनस करेंगे EJ इक्वल टू, इसमें 2 में माइनस होगा, तो D एप्सिलॉन इक्वल टू
j इक्वल टू 3 होने पर वैल्यू क्या आई थी, तो वहां पर वैल्यू आई थी 12b और 2 की वैल्यू कितनी है 6b आई थी। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6b आ गया। क्लियर है, आगे चलो थर्ड के बाद यदि हम फोर ट्रांजिशन की तरफ चलते हैं, वापस क्या लिखेंगे, j इक्वल टू 3 से किसकी तरफ होगा, j इक्वल टू 4 की तरफ, d epsilon इक्वल टू क्या हो जाएगा, ej इक्वल टू 4 माइनस ej इक्वल टू 3। क्या लिख सकता हूं मैं, d epsilon इक्वल टू, अब 4 की वैल्यू क्या थी, 4 की वैल्यू थी 20b, तो हम क्या लिख सकते हैं 20b माइनस 3 की वैल्यू क्या थी 12b। जब दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो डेल इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास में वैल्यू आ जाती है यहां पर 10b। तो आप एक निष्कर्ष यहां पर क्या निकाल सकते हैं, उसकी तरफ चल रहा है, फिफ्थ को लिख लेते हैं उसके बाद में उसके रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं। जब हम ट्रांजिशन j इक्वल टू 4 से j इक्वल टू 5 की तरफ जा रहे हैं तो d epsilon इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ej इक्वल टू 5 माइनस ej इक्वल टू 4, तो d epsilon इक्वल टू, अब जब हमने j की वैल्यू 5 लिखी थी तो हमें आंसर क्या मिला था 30b, 4 की वैल्यू क्या थी अभी हमने लिखा है यहां पर 20b। जब इसको सॉल्व करते हैं तो d epsilon इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर हो जाएगा 10b। एक रिजल्ट क्या निकला, आप देखेंगे कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो कितना हो रहा है, तो देखो 2b 4b 6b 8b और 10b, मतलब कि 2 की टेबल चल रही है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10, मतलब कि सीधा सीधा जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी गैप का डिफरेंस आ रहा है वो कितना हुआ, एनर्जी गैप का डिफरेंस ओनली 2b का डिफरेंस आ रहा है। तो ये तो क्या हुआ, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, और इस एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और जो एनर्जी लेवल थे उनके बेसिस पर हम प्राप्त करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। किसकी बात कर रहा हूं हम लोग, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बात हो रही है रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त किया, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त करें। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जब हम प्राप्त करने जा रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा को जब हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो ट्रांजिशन की बात होगी और दूसरे एनर्जी लेवल की बात होगी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बैंड इक्वल स्पेस और गैप पर होते हैं, दो बैंड के रोटेशन में 2b का डिफरेंस होता है, और जब ट्रांजिशन नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो एनर्जी गैप बढ़ता जाता है, मतलब कि कहे कि j की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में ट्रांजिशन में जो लेवल है उनकी डिस्टेंस भी क्या होती, बढ़ती जाती है। उसको भी हम लोग देखते और समझते हैं। हमने कहा पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब हमने j की बात करी, अब मैं वन बाय वन बात करने जा रहा हूं, मैं ट्रांजिशन की लेवल बना रहा हूं फिर इसको हम समझते हैं। ये इस तरीके से हमने लिखा j इक्वल टू सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इनके लिए वैल्यू क्या थी, तो यहां पर तो वैल्यू थी 0, यहां पर थी 2b, यहां पर क्या थी 6b, 3 के लिए कौन सी वैल्यू थी, 3 के लिए जहां तक मुझे आइडिया 12b, इसके लिए कितनी थी 4 के लिए शायद 20b, 5 के लिए कितनी थी 30b। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई थी एप्सिलॉन उसकी वैल्यू एनर्जी गैप की। अब ट्रांजिशन जो हो रहा है उसकी तरफ चल रहा, जो ट्रांजिशन पहले कहां हो रहा, सबसे पहले हमने यहां पर बात की, दूसरा ट्रांजिशन हमने यहां पर बताया, तीसरा ट्रांजिशन हमने यहां पर बताया, चौथा ट्रांजिशन हमने ये बताया और पांचवा ट्रांजिशन हमारा बताया। अब जब हम एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ भी चलते, हम कह रहे हैं कि यहां पर इस लाइन की बात की जाए, दूसरी लाइन हम यहां पर दिखाई दे रही, पहली लाइन ये रही
आगे बात करें, ये हमारा थर्ड ट्रांजिशन, ये हमारा फोर्थ ट्रांजिशन, तो ये हमारा फिफ्थ ट्रांजिशन। इस तरीके से हमें ट्रांजिशन दिखाई देगा, तो हम देखेंगे इसका जो डिफरेंस था उसकी तरफ चलेंगे। हम कहेंगे कि यहां से जब हम जीरो से वन की तरफ गए थे ट्रांजिशन में, तो उसका एनर्जी गैप कितना था? टू। जब वन से टू की गए बीच में गए तो एनर्जी गैप क्या हो गया? फोर। जब टू से थ्री की तरफ गए तो सिक्स डी, थ्री से फोर की तरफ गए तो एट डी, और फोर से फाइव की तरफ गए तो टेन डी। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है उसका डिफरेंस कितना हो गया? उसका डिफरेंस टू डी हो गया। बट जब हम एनर्जी लेवल में लो से अपर साइड में जाते हैं, यानी जे की वैल्यू जीरो से जे की वैल्यू फाइव सिक्स सेवन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ जाने पर इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, बट उसके बीच में जो बैंड गैप है वो बैंड गैप जो है वो क्या होते हैं? इक्वल स्पेस का होता है। तो ये हमने क्या किया, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हमने यहां पर प्राप्त किया। क्लियर है? तो ये तो था हमारा रिजिड रोटेटर मॉडल जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, तो रिजिड रोटेटर क्या था, उसके बाद में इसमें ट्रांजिशन कैसे हुई, इसके बीच में एनर्जी गैप कैसे हुआ, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने यहां पर कैसे प्राप्त किया। ठीक, तो ये तो था हमारा रिजिड रोटेटर मॉडल। इसके बाद हम बात करेंगे घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए सिलेक्शन रूल, कि इसका सिलेक्शन रूल क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।